नवरात्रि के दौरान देवास की मां तुलजा भवानी और चामुंडा माता के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसी कड़ी में रविवार की रात सप्तमी के मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। दरअसल मां तुलजा भवानी और चामुंडा का दरबार प्रसिद्ध रक्तपीठ है, जहां नवरात्रि के 9 दिनों में दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के खास इंतजाम है। सप्तमी अष्टमी की रात भारी भीड़ के चलते शहर में ट्रैफिक को डाइवर्ट कर श्रद्धालुओं को बाहर रोका गया। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक उन्हें माता टेकरी पर भिजवाया गया। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए हैं। एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि 9 दिनों में करीब 20 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने का अनुमान है, जिनकी सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, लगभग 20 लाख लोग श्रद्धालु माता जी की टेकरी पर दर्शनों के लिए आते हैं। इन 4-5 दिनों के आखिरी दिनों में आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। इस क्राउड को किस तरह से व्यवस्थित तरीके से मैनेज करना है, किस तरह से हम निकटतम दूरी तक लोगों को अपने वाहनों से लाएं और वहां पर सुविधापूर्वक उनको दर्शन कराएं, हम इस चीज़ को भी ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई ऐसे तत्व तो नहीं आ रहे हैं जिनके कारण किसी तरह की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो हमने सभी द्वार पर क्राउड जहाँ से फ्लो हो रहा है, व्यापक DFMD से गुजारा जा रहा है उनको, और हमारी सादा वर्दी में बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं जो इस चीज़ का ध्यान रख रही हैं कि कहीं कोई ऐसे लोग तो नहीं घूम रहे हैं जिनके कारण किसी तरह की कोई सुरक्षा को खतरा हो। इस बार सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होती थे। हम उसके लिए तैयार भी हम हैं, हमने पूरी तैयारी इस बार 2-3 महीने पहले से प्रारंभ कर दी थी। अपेक्षित था और वो हुआ भी। इवन कल की अगर हम बात करें तो सुबह 8 बजे तक कंटिन्यूस क्राउड रहा। सामान्यतः रात को 2-3 बजे तक क्राउड काफ़ी कम हो जाता है, दर्शनार्थियों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, बट इस बार शुरू से प्रथम दिन से ही लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थी यहाँ पे आ रहे हैं।